Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on bond parameters of covalent bond. Today, we are going to take the polarity of a covalent bond. Let us take the physical parameter which is used to express the polarity of a covalent bond. Parameter is called as beta dipole moment. देखो, अगर हम बात करें बेटे कि कोई भी bond, चाहे वो आयनिक हो चाहे वो कोवेलेंट हो, बेटे वो परफेक्टली आयनिक नहीं हो सकता ना तो परफेक्टली वो कोवेलेंट हो सकता. कोवेलेंट बॉन्ड हैज द सर्टेन एक्सटेंट ऑफ आयनिक करेक्टर, वेयर एज द आयनिक बॉन्ड हैज सर्टेन बेटे कोवेलेंट करेक्टर. तो आज हम जो बात आपसे करने वाले हैं कि बेटे किसी कोवेलेंट बॉन्ड में जो आपका बेटे आयनिक करेक्टर है जो इन्वॉल्व होता है उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाए, इस तरह से उसको हम लोग उसके पोलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो बेटे इसको एक्सप्रेस करने का जो पैरामीटर हमारे पास है उसको हम लोग डाइपोल मोमेंट बोलते हैं. बेटे इसके लिए हम आपसे एक एग्जांपल ले रहे हैं. लेट अस टेक द एग्जांपल हियर. मान लो बेटे HCl के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना है. लेट अस टेक हियर, ये मान लो बना हुआ है. हम आपको बता क्या चुके हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बेटे है 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू बना हुआ है. बट ड्यू टू द बेटे ना डिफरेंशियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेटे जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये डेफिनेटली दिस इज डाइवर्टेड टुवर्ड द क्लोरीन. क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के नाते बेटे ये जो है Cl जो बॉन्ड पेयर है आपका, इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग पेयर यहाँ पर यूज हुआ है, दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टुवर्ड डाइवर्टेड टुवर्ड द क्लोरीन. एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन के पास एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और आपका बेटे जो क्लोरीन है दिस एक्वायर्स ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज. तो बेटे पार्शियल को शो करने का तरीका लैम्डा प्लस, पार्शियल नेगेटिव को शो करने का तरीका बेटे लैम्डा नेगेटिव. ये जो सिचुएशन है डेफिनेटली दिस इंडिकेट्स द पोलरिटी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल हियर. अब बेटे बात करें क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कैसे करें. बेटे इसको क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसको हम लोग डाइपोल मोमेंट बोलते हैं. तो किसी बेटे ना पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में, बेटे ये जो बॉन्ड इसको कहा जाएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन फ्रेंड्स हम बात करें H2 की, N2 की, O2 की, इन सबको अगर आप लोग पता बेटे इनके बॉन्ड के बीच में कोई जो बॉन्ड में इन्वॉल्व जो एटम्स हैं इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है. इसलिए बेटे यहाँ पे क्या कहोगे इनका जो हो ये जो ये सारे हमारे बॉन्ड होंगे इनके इनके बीच में इसको नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे. वेदर बेटे ये जो सिचुएशन इसको हम लोग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं. तो इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द पोलरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड वी हैव द पैरामीटर विच इज नोन एज बेटे डाइपोल मोमेंट. यूजली हम लोग इसको न्यू लेटर से शो करते हैं और इसकी वैल्यू बेटे क्यू इंटू टी के बराबर होती है. समझो क्यू क्या है, ये जो पार्शियल चार्ज प्रेजेंट है चाहे वो पॉजिटिव आयन पर हो बेटे चाहे वो नेगेटिव आयन. तो जो पार्शियल चार्ज जो है राइज किया है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बेटे इस बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है इसकी जो इसका जो प्रोडक्ट होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट मत लीजिए, सिंपल प्रोडक्ट है. ये जो प्रोडक्ट होगा डेफिनेटली बेटे वो क्या होगा, दैट शुड बी कॉल्ड एज दैट इज योर डाइपोल मोमेंट ऑफ द बॉन्ड हियर. बेटे अब बात करें कि हम लोग जो डाइपोल मोमेंट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है थोड़ा सा यहाँ पे समझना ये है कि इसकी जो डायरेक्शन होती है बेटे ना, देखो पॉजिटिव सेंटर से नेगेटिव सेंटर की तरफ और बेटे इसके टेल पर ऐसे कट लगा दो तो कट ये जो एरो ये इंडिकेट करती है कि जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटे वो किस सेंटर की तरफ शिफ्ट हुआ है. दैट शुड ऑलवेज बी पॉइंटेड फ्रॉम पॉजिटिव सेंटर टू द नेगेटिव सेंटर एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. बेटे यूनिट की बात करें, अगर SI यूनिट की बात करें तो बेटे क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है आप जानते हो. डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, SI में बेटे मीटर होगी. तो आप कह सकते हो कि जो SI यूनिट होगी बेटे आपके डाइपोल मोमेंट की दैट शुड बी कूलाम इनटू मीटर. ही CGS की बेटे दूसरी यूनिट भी यूज होती है जिसको हम लोग KCU सेंटीमीटर बोलते हैं बेटे. ये थोड़ी सी यूज में नहीं है लेकिन फिर भी एक यूनिट और CGS की है लेकिन इसको CGS की यूनिट बोलेंगे. और बेटे ये जो यूनिट है वो SI की यूनिट.
एसआई यूनिट है कूलाम इंटू मीटर होगी, जबकि सीजीएस की जो यूनिट है बेटे वो ईएसयू इंटू सेंटीमीटर होती है। अब भाई ये बात करते हैं बेटे किसी तक कैसे हम लोग डाइपोल मोमेंट एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर बॉन्ड प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल हियर। तो सबसे पहले बेटे बात करें आपसे, लेट अस टेक हियर एचएफ। पता बेटे एचएफ जो बॉन्ड है आपको करना कुछ नहीं है बेटे, ये जो पता एफ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो बेटे पोलैरिटी प्रेजेंट होगी, दिस एक्वायर्स ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दिस एक्वायर्स ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज। बेटे यहाँ क्यू की वैल्यू एस्टिमेट कर दो, फिर बॉन्ड डिस्टेंस देख लो, बॉन्ड लेंथ जिसको बोलते बेटे इसको निकाल लो, फिर दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो, बेटे ये कि आपको वैल्यू एचएफ आपको मिल जाएगी। डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन शुड बी ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव सेंटर, और बेटे दिखाने के लिए ऐसे कट एरो आप लगा दो। यूनिट क्या लिखोगे, दैट शुड बी गुलाम इनटू मीटर हियर। बेटे अब आइए, ये तो हो गया सिंपल डायटॉमिक मॉलिक्यूल की बात, हेट्रो न्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल बात होगी। बेटे जो होमो न्यूक्लियर होंगे बेटे उनकी वैल्यू जीरो होगी, लेकिन बाकी जो हेट्रो न्यूक्लियर हैं हमारे पास डायटॉमिक होंगे डेफिनेटली बेटा उनकी कुछ वहाँ पे फाइनाइट वैल्यू आपको मिलेगी। अब आइए बात करते हैं बेटे H2O की। तो आप सबको बताया था अभी लास्ट डे बेटे H2O में क्या होती है, उसकी बेंड स्ट्रक्चर होती है बेटे, इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो 104 डिग्री 5 मिनट का होता है ये। अब आप देखो अगर आपको पता है तो बेटे तो डायरेक्शन जो होगी वो बॉन्ड पोलर है, डायरेक्शन ये होगी, तो वेक्टर ऑफ एडिशन से अगर आप देखो तो बेटे इसका जो रिजल्टेंट होगा जो न्यू आर होगा दैट शुड बी पॉइंटेड टुवर्ड्स दिस वन। अब आप देखो यहाँ से, तो जब आपको बेटे ऐसे मॉलिक्यूल का निकालना होगा तो दोनों बॉन्ड का क्या करोगे, अलग अलग डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आप निकाल लोगे। जब डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकालो फिर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का यूज कर लोगे, ये एंगल बेटे तो उसमें आप लिखते हो दैट इज योर आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस टू आर वन ऑफ कॉस थीटा रूट ओवर जो लिखते हो उससे आप यहाँ पर न्यू आर की वैल्यू निकाल लोगे, और दैट न्यू आर वैल्यू गिव्स यू दैट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बेटे डाइपोल मोमेंट ऑफ H2O मॉलिक्यूल। इस फाइनाइट वैल्यू डेफिनेटली म्यू आर ऑफ H2O डेफिनेटली सो दैट H2O इज द पोलर बेटे द OH बॉन्ड प्रेजेंट इन H2O इज द पोलर बेटे कोवेलेंट बॉन्ड हियर। अब आइए बात करते हैं BeCl2 की। पता है बेरिलियम बेटे Cl2 अगर बात करें यहाँ पर तो बेटे इसकी लीनियर स्ट्रक्चर होती है, क्यों होती है इसका लॉजिक हम आपको देंगे, लेकिन अभी आप इतने समझो बेटे लीनियर स्ट्रक्चर होगी। तो ये क्या होगा अगर इसकी डायरेक्शन आप ले लेंगे डेफिनेटली बेटे दैट शुड बी फ्रॉम दिस टू दिस वन, इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव वन, बेटे इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट शुड फ्रॉम दिस वन टू दिस वन। दोनों बॉन्ड बेटे आइडेंटिकल बॉन्ड है, दोनों की अगर मान लो इसको हम म्यू वन कर दें बेटे इसको म्यू टू कर दें तो डेफिनेटली आपको होगा म्यू वन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ म्यू टू, तो आपको सकते म्यू वन प्लस म्यू टू शुड भी इक्वल टू जीरो। ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलोगे, कहोगे इनका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो होगी। इसी तरह से अगर मैं बात आपसे करूँ BF3 की, पता है BF3 की स्ट्रक्चर बेटे ना ट्रायंगुलर प्लेनर होती है, क्योंकि इवन कह सकते हैं सॉरी बेटे हाँ यस ट्रायंगुलर प्लेनर होगी बेटे, ट्रायंगुलर प्लेनर होगी तो ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, ये होगा दिस इज योर एफ, दिस इज योर एफ, दिस इज योर एफ। अब कन्वेंशन के हिसाब से बेटा बोरॉन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, जो डायरेक्शन होगी वो किधर से किधर की तरफ होगी बेटे, इससे इसकी तरफ होगी, फिर इसकी क्या होगी इसकी इधर होगी, इसकी किधर होगी इधर होगी, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा इधर से वेक्टर ऑफ एडिशन से। तो जब इसकी वैल्यू निकाल लो मान लो बेटे रिजल्टेंट को न्यू आर लिख देते हैं, इसको न्यू वन कह देते हैं, तो डेफिनेटली बेटे जो जो न्यू आर डैश होगा जो नेट रिजल्टेंट होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू न्यू आर माइनस न्यू वन हियर। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द बेटे ना द डाइपोल मोमेंट वैल्यू ऑफ योर BF3 मॉलिक्यूल। बेटे एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन क्या आती है NH3 और NF3 को लेकर के, पता बेटे आपको बताएंगे कि जो NH3 हो चाहे NF3 हो बेटे इनकी जो पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है क्यों होती है फिर बताएंगे आपको, और बेटे आपका जो इसी तरह से जो NF3 है बेटे उसकी भी पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। अब बात करें बेटे सब में क्या होगा, एक लोन पेयर ऑफ कंटेनिंग ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल का अपना बेटे डाइपोल मोमेंट वैल्यू होती है, ऑर्बिटल मोमेंट वैल्यू बोलते हैं बेटे। अब मान लो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन रखा, यहाँ पर हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज योर एफ, दिस इज योर एफ, दिस इज योर एफ, तो नो डाउट आप कहेंगे बेटे इसका क्या है डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, तो जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी म्यू आर बेटे डेफिनेटली वो डाउनवर्ड होगी,
जबकि आपका बेटे जो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट वैल्यू है, जो मोमेंट वैल्यू बेटे वो क्या होगा, म्यू बेटे ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। इस मॉलिक्यूल के बेटे जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, न्यू आर माइनस न्यू के बराबर होगा। अब आप आइए इसकी बात करिए, बेटे नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन बेटे ये होगी, और ऑर्बिटल जो डाइपोल मोमेंट बेटे उसकी डायरेक्शन के ऊपर होगी। तो मान लो इसको म्यू कह देते हैं, इनका रिजल्टेंट भी बेटे क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा न्यू आर, तीनों बॉन्ड का, ये जो तीनों बने हैं तीनों का बेटा रिजल्टेंट ऊपर काम करेगा। तो बेटे इस केस में जो न्यू आर डैश होगा, जो रिजल्टेंट होगा, दैट मस्ट इक्वल सम ऑफ न्यू आर प्लस बेटे क्या न्यू होगा। तो आप यहाँ कह सकते हो कि डेफिनेटली ऑल दो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन दैट ऑफ फ्लोरिन हियर, बट द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 शुड बी ऑलवेज बी हायर देन दैट ऑफ बेटे NF3 हियर। यूजिंग ऑल दीज आइडिया लेट अस ट्राई टू अटेम्प्ट टू दीज टू। थैंक यू।